शराब और शबाब, बस यही पहचान है उसकी। बिजनेस उसके खून में है। उसने जिसे छुआ वही हीरा बन गया। उसने सफलता का नया आसमान चूमा। वो चलता चला गया और सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद करता गया। कभी राजनीतिक गलियारों में गहरी पैठ रखने वाले इस शख्स के काम चुटकियों में हुआ करते थे। उसके चारों ओर हसीनाओं का मेला लगता था। बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइनें उसके साथ फोटोशूट करने के लिए लाइन लगाए खड़ी रहती थी। कभी उसके ग्लैमरस कैलेंडर के लिए लोग साल साल भर इंतजार किया करते थे। वो क्रिकेट लीग और तमाम फुटबॉल लीग टीमों का मालिक हुआ करता था। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त का पहिया घूमा। कभी वो हवाओं का रुख मोड़ देने का दम रखता था, आज वही हवाएं उसके खिलाफ हैं। जिसे पूरा देश कभी सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून मानता था, आज वो भगोड़ा है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन और भगोड़े विजय माल्या की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय माल्या और उसके स्कैम से जुड़े तमाम पहलुओं की, नर टीवी की खास श्रृंखला द ग्रेट इंडियन स्कैम्स में। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में विट्ठल माल्या और ललिता रमैया के घर हुआ था। विट्ठल यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय माल्या ने अपनी पढ़ाई लिखाई तब के कलकत्ता से ही की। जब वो 28 साल के थे तभी उनके पिताजी गुजर गए और इसके बाद वो यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बन गए। 1983 में उनके कंपनी संभालने के बाद से ही कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी कि 1999 तक आते आते कंपनी के टर्नओवर ने 64% की छलांग लगा डाली। माल्या कम में मानने वालों में नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए आसमान भी कम पड़ जाता है। कंपनी ने तमाम और कंपनियों का अधिग्रहण किया। 1988 में बर्जर पेंट्स, बेस्ट और क्रमतान, तो 1990 में मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो न्यूज़पेपर एशियन एज और फिल्मी मैगजीन सिनेबिज का 2001 में अपनी कंपनी में मिला लिया। माल्या का दिमाग बहुत तेज था। उसकी प्लानिंग और प्रमोशन इतना तगड़ा था कि कंपनी का जाना माना ब्रांड किंगफिशर का इंडिया में मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है और वो दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में बिकती है। लेकिन माल्या के लिए इतना ही काफी नहीं था। साल 2005 में यूबी ग्रुप ने एयरलाइन सेक्टर में एंट्री ली और अपनी एयरलाइंस का नाम रखा अपने बियर ब्रांड के नाम पर, किंगफिशर एयरलाइंस। ये एयरलाइंस माल्या का सपना था जिसके जरिए सफलता की नई ऊंचाइयां छूना चाहता था। इस एयरलाइंस ने शुरू से ही जो लग्जरी और क्वालिटी सर्विस अपने ग्राहकों को दिए, जिसे देखते ही लोग उसके दीवाने हो गए। लोग बाकी एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल करा करके किंगफिशर में जर्नी करने लगे। बहुत ही कम समय में किंगफिशर भारत की सबसे बड़ी और चहेती एयरलाइंस बन गई। लेकिन अभी भी माल्या का मन नहीं मान रहा था। असल में नियमों के तहत कोई एयरलाइंस तभी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट कर सकती है जब वो कम से कम 5 साल पुरानी हो। लेकिन माल्या हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खस्ता हालत में चल रही डेक्कन एयरवेज खरीद ली और उसे किंगफिशर में मिला लिया। अब किंगफिशर बिना किसी रोक टोक के इंटरनेशनल उड़ाने ऑपरेट कर सकती थी। इसमें कोई दोराय नहीं कि बाजार में कंपनी की रेपुटेशन जबरदस्त थी, लेकिन उसकी बैलेंस शीट उतनी ही कमजोर थी। यानी सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा माल्या ने सोचा था। कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी और 2011 तक आते आते किंगफिशर का घाटा बढ़कर $880 मिलियन तक जा पहुंचा। उसके आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़े हो चुके थे तो कर्मचारी हड़ताल पर थे। सितंबर 2011 में किंगफिशर एयरलाइन ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि कंपनी जबरदस्त घाटे में चल रही है और उसकी नेटवर्थ भी घट चुकी है। लेकिन उसने हालत सुधारने को भी उम्मीदें जताई, लेकिन हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ते गए। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। कंपनी के पास ना तो अपने जहाज उड़ाने के लिए पैसे थे, ना ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। हालत तब और बिगड़ गई जब अक्टूबर 2012 में उसके सारे इंजीनियर्स स्ट्राइक पर चले गए। उसे अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। 20 अक्टूबर को DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस, जिसे कभी आसमान की चिड़िया कहा जाता था, उसके बंद हो जाने के पीछे तमाम कारण है। एयर डेक्कन का अधिग्रहण। किंगफिशर एयरलाइन एक प्रीमियम क्लास एयरलाइंस थी जो जानी जाती थी क्वालिटी सर्विस के लिए, जबकि इसके ठीक उलट एयर डेक्कन एक सुस्त सुविधा देने वाली एयरलाइन थी। माल्या की सोच थी कि इस मर्जर के जरिए कंपनी लो कॉस्ट एयरलाइन मार्केट में भी कब्जा कर लेगी, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। एयर डेक्कन तो खुद डूबती ही गई, वो किंगफिशर को भी ले डूबी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स। किंगफिशर एयरलाइन को इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बड़ी जल्दी थी। यही वजह है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का बहुत कम अनुभव होने के बावजूद कंपनी ने एयर डेक्कन के जरिए इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा जमाना चाहा, जिस कोशिश में कंपनी ने मौकी खाई। हाई फ्यूल कास्ट, ईंधन की बढ़ती कीमतें भी किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने की बड़ी वजह रही। इसके अलावा 2008 की मंदी, मैनेजमेंट लेवल पर स्थिरता का अभाव और प्रीमियम क्लास एयरलाइंस से लो बजट सेगमेंट में प्रवेश करने जैसे तमाम और भी वजह रही इस एयरलाइंस के डूबने की। विजय माल्या ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए तमाम बैंकों से ढेर सारा कर्जा ले रखा था, लेकिन कंपनी उसे चुका पाने में नाकाम रही। कई बैंकों ने कंपनी को दिवालिया भी घोषित कर दिया, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे बैंकों से लोन लेने में कामयाब रहा। माल्या ने 17 बैंकों से लगभग 7000 करोड़ का लोन ले रखा था, जो ब्याज बढ़ने के बाद 9000 करोड़ तक पहुंच गया था।
आप इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किसी बैंक को छोड़ा नहीं था। इतना ही नहीं, उस पर ये आरोप भी लगे कि उसकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों से वेतन से पीएफ की कटौती तो की, लेकिन कभी भी उस अमाउंट को पीएफ खाते में जमा नहीं किया। माल्या ने लिए गए लोन का इस्तेमाल दूसरी मदों में किया। किंगफिशर एयरलाइन 2012 के आखिर तक मुंह के बल धड़ाम हो चुकी थी। साल 2014 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। विजय माल्या सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं था, पॉलिटिक्स में भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। वो दो बार राज्यसभा से सांसद भी रहा। भले ही कांग्रेस और भाजपा विजय माल्या के घोटाले और देश छोड़कर भागने के लिए एक दूसरे पर आरोप मारते रहे हों, लेकिन सच्चाई यही कि उसके सांसद बनने के पीछे दोनों ही पार्टियां हैं। जहां साल 2002 में माल्या कांग्रेस और जेडीएस की मदद से बतौर निर्दलीय सदस्य राज्यसभा में पहुंचा था, वहीं 2010 में वो जेडीएस और बीजेपी की मदद से वो राज्यसभा पहुंचा था। किंगफिशर एयरलाइंस बाहर से जितनी आलीशान और शानदार दिखती थी, असल में वो पहले ही दिन से खोखली थी और शुरुआत से ही घाटे में रही, लेकिन कंपनी 2009 तक बेधड़क विस्तार से जुटी रही। भले ही कंपनी पिछले लोन न चुका पाई हो, इसके बावजूद वो बेरोक टोक नए लोन लेती रही। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उसे ये लोन सरकार की मदद से मिले। उसे लोन मिलते रहे और माल्या उन पैसों को अपने फायदे के लिए इधर उधर लगाता रहा। कभी उसने आईपीएल में आरसीबी जैसी टीम खरीदी तो कभी देश की पहली फॉर्मूला वन रेसिंग करा दी। साल 2008 में माल्या ने बतौर यूबी ग्रुप चेयरमैन बेंगलोर टीम को भारी भरकम रकम देकर 10 सालों के लिए खरीदा था। खबरों के मुताबिक उसने बैंकों से लिए गए लोन का इस्तेमाल करके ही आरसीबी को खरीदा था। हालांकि उसने 2016 में आरसीबी टीम के डायरेक्टर पद से रिजाइन कर दिया था। यही नहीं, देश की दो सबसे बड़ी फुटबॉल लीग ईस्ट बंगाल और मोहन बंगाल को भी यूबी ग्रुप ही स्पॉन्सर करता रहा। माल्या ने F1 रेसिंग के लिए जाने जाने वाली फोर्स इंडिया टीम भी खरीदी। देश की ईडी जैसी संस्था ने विजय माल्या पर आईपीएल टीम और F1 रेसिंग टीम जैसी टीमों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। राज्यसभा के रिकॉर्ड की माने तो माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में मौजूद था, लेकिन 2 मार्च को ही वो देश छोड़कर के भाग गया। वो जेट एयरवेज से दिल्ली से लंदन भाग गया। खबरों के मुताबिक उसके साथ लगभग 10 बैग और एक महिला भी थी। खास बात यह कि विजय माल्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर लंदन गया था। उस समय माल्या कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सिर्फ सांसद, उसकी पत्नी या पत्नी को ही मिलता है और यह पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सीबीआई और ईडी दोनों ही माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही हैं। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद जांच एजेंसी उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। यही वजह कि केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2022 को संसद में जानकारी दी कि भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा किए गए घोटालों की कुल रकम की लगभग 85% रकम जब्त कर ली गई है। विजय माल्या की कंपनी भले ही डूब रही थी, लेकिन खुद माल्या के शाही खर्चों में कभी कोई कमी नहीं आई। उसकी बर्थडे पार्टियां दुनिया की सबसे महंगी पार्टियों में शुमार हुआ करती थी। 2005 में अपने 50वें जन्मदिन की पार्टी बड़े ही आलीशान तरीके से की। गोवा में 5 दिन की पार्टी रखी गई थी, जिसके लिए देश विदेश से लगभग 500 लोगों को न्यौता दिया गया था और उनके आने जाने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के 2 जहाज लगे हुए थे और इसमें जाने माने अमरीकी सिंगर लियोनेची रिची की परफॉर्मेंस भी रखी गई थी। यही नहीं, विजय माल्या ने अपना 60वां जन्मदिन भी बड़े ही शाही अंदाज में मनाया। ये वो समय था जब माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस लगभग डूब चुकी थी। कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन माल्या तो माल्या था, उसे से कोई मतलब नहीं था। इस साल भी उसने 3 दिन की पार्टी रखी। दुनिया भर से लगभग 500 लोग पार्टी में शामिल हुए और इस साल शो स्टॉपर रहे स्पेनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस। माल्या ने पार्टी तब रखी जब कुछ ही दिन पहले सीबीआई ने आईडीबीआई के 900 करोड़ के लोन घोटाले को लेकर माल्या से पूछताछ की थी। एक समय ऐसा भी था जब विजय माल्या के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का काफिला हुआ करता था। उसके पास ऐसी लगभग 150 कारें थी। साल 2004 में वो ब्रिटेन से नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार भी भारत वापस लेकर के आया। इसके लिए उसने 150 करोड़ रुपए चुकाए। हालांकि हैरान कर देने वाली बात भी है कि 2016 में ही विजय माल्या ने वो तलवार किसी और को दे दी, क्योंकि इसका मानना था कि वो तलवार उसके लिए अनलकी साबित हुई थी। लेकिन आज की तारीख में वो तलवार कहाँ है ये कोई नहीं जानता। माल्या के लंदन भागने के बाद उसकी दुनिया बदल गई। अब तक जिसे दुनिया बिजनेस टाइकून के नाम से जानती थी, आज वो दुनिया की नजरों में एक भगोड़ा है। उसका वालिशान बंगला, जिसे किंगफिशर विला के नाम से जाना जाता था, वो 2017 में कौड़ियों के भाव बिक गया। लंदन में माल्या का मल्टी मिलियन पाउंड का महलनुमा घर है, जिसमें अपने बेटे सिद्धार्थ और माँ के साथ रहता है। लेकिन जनवरी 2022 में लंदन की कोर्ट ने माल्या को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि मार्च में कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी और माल्या बेघर होते होते बच गया। हालांकि लंदन की कोर्ट ने अप्रैल 2020 में ही माल्या के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बावजूद अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही विजय माल्या भारत वापस लाया जा सकेगा और उसे सजा मिल सकेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।